धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हर्षद भाई बाजपा ने कहा कि पिछले वर्ष मकलोडगंज के टैंगल बोर्ड में प्रदर्शन कर रहे गदियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज मामले में आरोपियों के विरुद्ध जल्द ही FIR और गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीर है और जैसे ही दोषियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट सामने आती है तो कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आयोग को पत्र लिखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मुख्य आरोपी बनाने की मांग की थी। आयोग के सदस्य हर्ष भाई वासपा ने कहा कि हिमाचल में पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव होने के चलते रिपोर्ट आने में देरी हुई है, लेकिन अब जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और यदि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी मामला दर्ज हो सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। हर्षद भाई बाजपा ने कहा कि वे 3 दिनों के लिए धर्मशाला, पालमपुर और बैजनाथ के जनजातीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इस दौरान अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आने वाली समस्याओं और केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष गद्दी समुदाय के लोगों पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के भीतर रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री थे क्योंकि जो काम हुआ था अगस्त में लाठीचार्ज का, तो उनको ही इन्होंने मेन अक्यूज कहा था और उनकी गिरफ्तारी के लिए बोला था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसमें हमने आयोग ने बताया कि जो भी लोग उसमें जुड़े हुए होते वो चाहे कोई भी हो, हमें कौन है कौन नहीं है उसमें कोई व्यक्ति के नाम से अभी हम ये नहीं करेंगे, पर जितने लोग उसमें आरोपी की रैंक में आएंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, ये अपना पक्का ये है। तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं? गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अगर जो उसमें आते ही है तो उसके पर FIR भी होगा और FIR होता है तो गिरफ्तारी होती है।